आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं उत्तिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। निष्कासित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड तक कई राज्यों में हिंसक झड़प देखने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची में इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम शहर में कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर झारखंड तक कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी रांची की मुख्य सड़कों पर जमा हो गए थे। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। क्षेत्र की अधिकांश दुकानें भी बंद रही, लेकिन तब भी स्थिति को पूरी तरह से संभालना संभव नहीं था। आम लोग अलग अलग जगहों पर आग प्रदर्शन और उत्पीड़न का शिकार हुए। सड़क जाम होने से यात्री फंस गए और अशांति के उस माहौल में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। शहर के पुलिस प्रमुख अंशुमान कुमार ने दोनों की मौत की पुष्टि की। प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कई जगहों पर धारा 144 भी लागू है। इस विवाद के चलते रांची में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग में शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद पूरा शहर पुलिस प्रशासन के साये में है। मेन रोड सहित शहर के तमाम इलाकों में दुकानें बंद हैं। मेन रोड में पुलिस चौकस में है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की शारीरिक स्थिति के बारे में अफवाहें, वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इस बीच मीडिया के कुछ हिस्सों में मुशर्रफ की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन आधिकारिक तौर पर पाक प्रशासन उस खबर की सत्यता को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के परिवार और पार्टी ने उनकी मौत की अफवाहों का खंडन किया है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति के परिवार ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है। 3 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद अब उनका घर पर इलाज चल रहा है। शारीरिक दिक्कतों के चलते वे पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। इस संकट से उबरना संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर पूर्व जनरल की मौत की अफवाहें फैल गई थी, जिसको लेकर कई संवाद संस्था ने उस खबर को प्रसारित किया था। बाद में परिवार ने शुक्रवार को एक जारी बयान में इस खबर का खंडन किया, साथ ही कहा मिस्र की खुफिया जानकारी के संबंध में इसी तरह के निराधार आरोप 1 से अधिक बार लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सैन्य शासक चिकित्सा उपचार लेने के लिए मार्च 2016 में दुबई संयुक्त अमीरात के लिए रवाना हुए थे। वह कभी पाकिस्तान नहीं लौटे। मुशर्रफ फिलहाल दुबई में है। जानकारी के मुताबिक APML के हवाले से पूर्व राष्ट्रपति का घर से ही एमाइलॉइडोसिस का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। मुशर्रफ की बीमारी 2016 में तब सामने आई जब पार्टी ने बताया कि उन्हें दुर्लभ एमाइलॉइडोसिस हो गया है। गौरतलब है कि 30 मार्च 2014 को तख्ता पलट के जरिए सत्ता संभालने वाले मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2006 को संविधान को निलंबित करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 16 दिसंबर 2019 को देशद्रोह के सबसे बड़े मामले में मौत की सजा सुनाई थी। मुशर्रफ 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। कारगिल जंग के लिए मुशर्रफ को ही जिम्मेदार माना जाता है।
मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया था, तब वो वहां के सेना प्रमुख थे। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।